बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेवन, क्लास सेवन स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो हम आपकी साइंस की फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास ऑफ फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इसमें आपको दी जाएगी, क्लास सेवन साइंस। आप सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी बुक्स साइंस की ओपन करेंगे। विल हैव फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट्स। आप अपने अपने घरों में अपनी बुक्स ओपन करेंगे, चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा, ठीक है। आप बुक से टैली करते जाएंगे और जो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल रही है वो पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। The main purpose of science is to seek out the laws of the universe and if possible to express them in precise mathematical form. Technologists use the information for such purposes and as designing electrical appliances, radio, television, radar installations, artificial satellites, spacecraft, nuclear power generators, computer, etc. All of which have helped to make our material way of life is different, is so different from that of our ancestors. ठीक है, मींस क्या हुआ, मैं आपको सिर्फ जो है एक समरी बताती हूँ उस पैराग्राफ की कि साइंस का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, साइंस पढ़ने का, साइंस को स्टडी करने का वो ये मकसद होता है कि जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उनके बारे में जान सकें, ठीक है। तो इसको और फिर इसको एक्सप्रेस कर सकें मैथमेटिकल फॉर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर सकें। अच्छा, अब टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं, ईजाद करते रहते हैं फॉर सच पर्पज़, डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज बनाते हैं, रेडियो टेलीविजन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, स्पेस क्राफ्ट वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमें हेल्प आउट करती हैं हमारी जो मटेरियल लाइफ है उसको बेहतर बनाने के लिए, सही। जैसा कि हमारे एंसेस्टर ने इतनी बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी, तो हमारी लाइफ ये तमाम चीज़ों से बेहतर होती है। अंटिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द स्टडी ऑफ मटेरियल थिंग्स वॉज ट्रीटेड एज अ सिंगल aspect of human thought. It was called natural philosophy, but as knowledge increased it was found necessary to divide the study of nature into two main branches, the physical science and the biological sciences. The biological sciences deal with the living things, while the physical sciences are concerned with the properties and behavior of non-living matter. कह रहे हैं कि 18th century तक जो material चीज़ों की study थी वो means एक single उसमें thought किया जाता था और उसको नेचुरल फिलॉसफी कहा जाता था, लेकिन जिस तरह से नॉलेज इंक्रीज़ होती गई, लोगों को पता चलता रहा कि हाँ भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, स्टडी को डिवाइड किया जा सकता है, तो ह्यूमन नेचर की या ह्यूमन थॉट की जो स्टडी थी उसको दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, एक को कहा गया फिजिकल साइंसेज, एक को कहा गया बायोलॉजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या होता है, हम लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और फिजिकल साइंसेज में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग मैटर, जो नॉन लिविंग मैटर है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनकी उनके बिहेवियर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। द टू मेन फिजिकल साइंसेज आर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और फिजिकल साइंसेज में दो हमारे पास मेन ब्रांचेज हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू, बट ब्रॉडली स्पीकिंग केमिस्ट्री डील्स विद द एक्शन ऑफ वन सब्सटेंस और अनदर, वाइल फिजिक्स इज कंसर्न विद द मैटर इन रिलेशन टू एनर्जी। अच्छा, कह रहे हैं वैसे तो क्लियर कट डिस्टिंक्शन यानी कि दोनों के दरमियान फ़र्क बताना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन आप सिंपली कह सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो किसी भी एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस के साथ एक्शन पे डील करती है, बताती है, वाइल द फिजिक्स क्या करती है, फिजिक्स मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप पर बात करती है, मैटर इन रिलेशन टू एनर्जी, मैटर और एनर्जी के रिलेशन पर बात करती है फिजिक्स, ठीक है। सो ऑल मेजरमेंट्स इन साइंस and specifically in physics are related to three fundamental quantities of length, mass and time. तो physics में अगर आप हम measurements की बात करें, क्योंकि this chapter is about introduction to scientific measurements, तो ये measurements के बारे में ये chapter, तो अगर हम इसमें बात करें कि physics में specifically अगर हम बात करें कि जितनी भी measurements होती हैं science में वो तीन fundamental मकदारों पर depend करती हैं। First is length, लंबाई, mass, वजन and time, वक्त। इन तीन चीज़ों के गिर्द ये सारे जो फंडामेंटल यानी ये बुनियादी हैं हमारे पास जिस पे हम चीज़ों को मेजर करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। अंटिल अबाउट द 1800
एंड अंटिल अबाउट द ईयर 1800 साइंटिस्ट इन वेरियस कंट्रीज यूज डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स कॉल्ड यूनिट्स, यानी कि 18वीं सदी तक 1800 ईयर तक लेकर जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह का सिस्टम जो था वो मेजरमेंट का इस्तेमाल करते थे, अलग अलग तरह के यूनिट्स इस्तेमाल करते थे। द इंग्लिश यूज इंचज वाइल यूरोपियन यूज मेजर्ड लेंथ इन सेंटीमीटर। इंग्लिश यानी कि जो इंग्लिश पीपल थे, अंग्रेज लोग थे, वो इंचज का इस्तेमाल करते थे लंबाई नापने के लिए, जबकि जो यूरोपीय लोग थे वो सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल करते थे लंबाई लेंथ को नापने के लिए। इन 1960 द जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स रिकमेंडेड दैट एवरीवन शुड यूज अ मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI। यानी कि 1960 में जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई वेट और मेजरमेंट्स के बारे में, जिन्होंने ये रिकमेंड किया कि सबको, यानी कि पूरे ओवरऑल इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लोगों को एक ही तरह का सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए, उसको सेम मैट्रिक सिस्टम यानी कि नापने का, नाप तोल का, मेजरमेंट का एक ही सिंपल सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको उन्होंने कहा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम SI यूनिट भी कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। SI मीन सिस्टम इंटरनेशनल। द SI यूनिट आर ड्राइव फ्रॉम द अर्लियर MKS सिस्टम। ये SI यूनिट जो है वो कहाँ से लिया गया है, MKS सिस्टम से ही लिया गया है। सो कॉल्ड बिकॉज द फर्स्ट थ्री बेसिक्स यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम एंड द सेकेंड। MKS क्या चीज़ है भाई, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड, और ये तीनों वही फंडामेंटल आपकी क्या कहते हैं चीज़ें हैं जिनके बारे में, जिनसे तमाम चीज़ें मेजर की जाती हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था, लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम, तो लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम जो है वो सेकेंड्स में नापा जाता है। ठीक है, टाइम जो है वो सेकेंड्स में नापा जाता है। ठीक है, मेजरिंग लेंथ, द SI यूनिट फॉर लेंथ इज द मीटर, ओरिजिनली डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट 0 degrees सेंटीग्रेड बिटवीन टू लाइन्स ऑन अ प्लैटिनम मेरिडियम, बार केप्ट एट द इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सेवर्स नियर पेरिस। मेजरिंग लेंथ कह रहे हैं कि SI यूनिट जो है वो लेंथ का क्या है, मीटर है। ओरिजिनली डिफाइंड एज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है 0 degree सेंटीग्रेड पे लिया गया बिटवीन टू लाइन, दो लाइन्स के दरमियान का, ऑन अ प्लैटिनम मेरिडियम बार केप्ट, इंटरनेशनल ऑफिस है वहाँ पर जो है ये उस प्लैटिनम मेरिडियम पे रखा जाता है और फिर वहाँ से लिया गया है, तो इसी वजह से इसको इंटरनेशनल यूनिट कहा गया है। लेंथ का यूनिट क्या है, SI मीटर। मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, अब यहाँ पे डिफरेंट आपको बताए जाएंगे किस किस तरीके से लेंथ को मेजर किया जा सकता है। 1 kilometer, 1 meter एंड 1 centimeter। 1 kilometer में आपके पास होते हैं 1000 meters, 1 meter में होते हैं 100 centimeters, 1 centimeter में होते हैं 10 millimeters। वेरी स्मॉल लेंस और मेजर इन माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर, जो छोटी छोटी लेंस होती हैं उनको माइक्रो और नैनो में भी नापा जाता है। 1 meter में इतने माइक्रोमीटर्स और इतने नैनोमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट लेंथ। अब हम देखेंगे लेंथ को नापने के लिए हमने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने होते हैं। देर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा होगा ये हमारे पास एक टेप होता है जिसपे इंच नोट डाउन होते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर। मीटर रूल, मीटर रूल यानी कि आप स्केल वगैरह से नाप सकते हैं लंबाई। कैलिपर्स, कैलिपर्स इस तरीके से होते हैं कि जिस तरह से ये आपको इंस्ट्रूमेंट एक दिखाया जा रहा है वर्नियर कैलिपर, इससे नापी जा सकती है लंबाई। मीटर रूल फॉर डे टू डे वर्क इन एलिमेंट्री फिजिक्स लेबोरेटरीज वी यूज मीटर एंड हाफ मीटर वुडन रूलर्स। वुडन रूल्स हम क्या करते हैं, जैसे रोजाना का रोजमर्रा का काम होता है तो एलिमेंट्री फिजिक्स लेबोरेटरीज में या लैब्स में हम इन मीटर्स का या हाफ मीटर वुडन रूल्स का, लकड़ी के ये होते हैं रूल्स, हम इनका इस्तेमाल करते हैं लंबाई नापने के लिए। दे आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर, इनके ऊपर सेंटीमीटर के निशानात लगे हुए होते हैं एंड मिलीमीटर और मिलीमीटर के भी निशानात होते हैं। द आई मस्ट बी प्लेस वर्टिकली अबव द मार्क बीइंग रीड टू अवॉइड एरर्स। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे अगर आपको चीज़ नाप रहे हो तो आपने क्या करना पड़ता है, अपनी आय, अपनी आँख को बिल्कुल वर्टिकली उस चीज़ के ऊपर रखना होता है जिसकी आप मेजरमेंट ले रहे हो, जिसको आप नाप रहे हो। अ मेजरिंग टेप इज ऑल्सो यूज टू मेजर लेंथ। इस तरह का मेजरिंग टेप होता है, ये भी इस्तेमाल होता है लेंथ को नापने के लिए, लंबाई को मेजर करने के लिए। फिर हैं कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या हैं, अ पेयर ऑफ कैलिपर्स इज यूज्ड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। ये डिस्टेंस नापने के लिए इस्तेमाल होता है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस होते हैं।
वेन एन ऑर्डनरी मीटर रूलर कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली, जहाँ पे इस तरीके का मीटर रूल डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता वहाँ पे हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कह रहे हैं कैलिपर्स, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। अ कैलिपर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ हिंज स्टील जॉज, इसके दो हिंज स्टील जॉज होते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम जॉज कहते हैं, स्टील के बने होते हैं ये, विच आर क्लोज अंटिल दे टच द ऑब्जेक्ट इन द डिजायर्ड पोजिशन। इनको क्लोज किया जाता है यानी इनको घुमा के करीब किया जाता है यहाँ तक के जो ऑब्जेक्ट जिसको आपने नापना है, जिसकी आपने मीटर वो लेंथ नापनी है, इसमें आप ज़्यादातर डायमीटर वगैरह नापते हैं, डिजायर्ड पोजिशन तक जब तक वो ना हो जाए तो आप उसको अंटिल उसको उसके जॉस को फिक्स करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द जॉस इज आफ्टरवर्ड मेजर्ड ऑन एन ऑर्डनरी स्केल। और पर इसके जो है यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे होंगे स्केल्स की लाइंस लगी होती हैं, मीटर सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स की ना लिखा होता है यहाँ पे, तो फिर वहाँ से आप इसको काउंट करना शुरू करते हैं जहाँ पे ये फिक्स होता है बिल्कुल, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान को जो डिस्टेंस होता है वो आपके जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा होता है उसका डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो नापा जाता है इस तरीके से। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ अ स्टील स्केल, स्टील स्केल ये लगा हुआ है सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें एक स्टील स्केल होता है विद अ फिक्स जॉ, एक जॉ इसका फिक्स होता है एट वन एंड, एक एंड पे इसका जॉ फिक्स होता है। द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर इज प्लेस बिटवीन दिस, जो ऑब्जेक्ट आपको मेजर करना होता है वो आप उसके पास रखते हैं, एंड अ स्लाइडिंग जॉ, और इसका ये स्लाइडिंग जॉ होता है, ये स्लाइडिंग होता है यानी इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आके फिक्स हो सकता है। सम कैलिपर्स ऑल्सो हैव इनसाइड जॉज सो दैट दे कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द इंटरनल डायमीटर्स ऑफ ट्यूब। तो कुछ कैलिपर्स जो होते हैं हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके इनसाइड जॉज भी होते हैं, इनसाइड यानी अंदर की तरफ भी जॉज होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं इंटरनल जो डायमीटर्स होते हैं अंदरूनी जो उसका डिस्टेंस होगा फासला होगा वो भी नापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अ शॉर्ट स्केल ऑफ 10 डिवीजन सीन ऑन द स्लाइडिंग जॉ इज कॉल्ड अ वर्नियर, यानी कि एक शॉर्ट स्केल जो होता है यहाँ पे आपको नजर आएगा जिसमें 10 डिवीजन होते हैं, जिसमें 10 निशानात होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं, वो कहलाता है एक वर्नियर, वर्नियर कहलाता है एक, नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर। इसका नाम कैसे रखा गया, इसका नाम रखा गया है एक इसका इन्वेंटर था जिसने इसको बनाया था या इसको ईजाद किया था, पायर वर्नियर, पायर वर्नियर के नाम पे इसका नाम रखा गया। ही वॉज अ फ्रेंच टेक्नीशियन हु लिव्ड इन द 17th सेंचुरी, ये फ्रेंच टेक्नीशियन थे 17th सेंचुरी में इन्होंने ये काम किया था। द वर्नियर इनेबल्स अस टू ऑब्टेन सेंटीमीटर मेजरमेंट्स एक्यूरेट टू द सेकेंड डेसिमल प्लेस, ये हमें इनेबल करता है या हमें काबिल बनाता है वर्नियर कि हम मेजरमेंट ले सकें, लंबाई नाप सकें बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही टू द सेकेंड डेसिमल प्लेस, सेकेंड डेसिमल प्लेस तक हम इसकी लंबाई सेंटीमीटर में इजीली नाप सकें, ठीक है। वर्नियर कैलिपर हो गया। नाउ स्क्रू गॉज, स्क्रू गेज भी कहते हैं इसको, स्क्रू गॉज भी कहते हैं। स्क्रू गेज क्या करता है, ये भी इसी तरीके से मेजरिंग स्केल होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। स्क्रू गॉज या स्क्रू गेज इज यूज फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ पीस ऑफ वायर एंड सिमिलर स्मॉल डिस्टेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्क्रूड स्पिंडल विच इज फिटेड विद अ थिम्बल मार्क्ड विद अ स्केल ऑफ 50 इक्वल डिवीजन, यानी स्क्रू गेज भी मेजरिंग डायमीटर वगैरह आपको मेजर करना हो वायर का, वायर आपको पता है कितना छोटा होता है उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसका अगर आपको डायमीटर मेजर करना है नापना है और इसी तरीके के स्मॉलर जो डिस्टेंस है वो नापने हैं तो आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, स्क्रू गेज इसका नाम इसीलिए है कि इसके अंदर एक स्क्रू होता है, स्क्रूड स्पिंडल, एक स्क्रू इसके अंदर होता है विच इज़ फिटेड विद अ थिम्बल मार्क, जो कि फिट किया जाता है थिम्बल मार्क एक निशान तक इसको फिट किया जाता है विद अ स्केल ऑफ 50 इक्वल, और उसके ऊपर 50 इक्वल डिविजन्स 50 निशानात होते हैं। व्हेन टेकिंग अ रीडिंग, जब आप इसकी रीडिंग लेते हैं यानी जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं, द थिम्बल इज टर्न्ड अंटिल द ऑब्जेक्ट इज ग्रिप, थिम्बल जो है वो टर्न होता रहेगा, फिक्स होता रहेगा यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर ग्रिप्ड हो जाए, फिक्स हो जाए वेरी जेंटली बिटवीन द एनविल एंड द स्पिंडर, कि वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसा यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में फिट होता है स्क्रू गेज में भी वो फिट हो जाए बिल्कुल, जब वो मजबूती से फिट हो जाता है। द स्लीव रीडिंग गिव द यूनिट्स एंड द फर्स्ट टू डेसिमल प्लेसेस, तो फिर जो है आप रीडिंग लेते हैं और रीडिंग जो है वो फर्स्ट टू डेसिमल प्लेसेस में आ जाती है, वाइल द थिम्बल रीडिंग गिव्स द थर्ड डेसिमल प्लेस, उसके अलावा जो थिम्बल रीडिंग होती है वो थर्ड डेसिमल प्लेस आपको देती है। अच्छा, यहाँ पे हमें पिक्चर नहीं दिखाई हुई, अगर पिक्चर होती तो हम आपको वो भी दिखाते कि स्क्रू गेज कैसा होता है। ये एक्टिविटी आपको दी हुई है हाउ टू यूज़ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर किस तरीके से यूज़ होता है।
तो दैट वॉज ऑल अबाउट द लेंथ. ये सब लेंथ के बारे में था कि लेंथ हम किस किस तरीके से नाप सकते हैं, मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं, हम मीटर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, मेजरिंग टेप हो सकता है यूज टू मेजर लेंथ, कैलिपर्स इस्तेमाल होते हैं. कैलिपर्स दो तरह के हमने बताए यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज या स्क्रू गेज. मास एंड वेट. अब आ जाते हैं सेकेंड जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है. एक लेंथ है हमने पढ़ा, एक मास है और एक टाइम है. तो अब मास को देख लेते हैं, मास को हम किस किस तरीके से, मास को हम और वेट को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं. द मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन. मास क्या चीज़ होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है, मादे की मकदार होती है जो भी जो किसी भी बॉडी में या किसी भी चीज़ में मैटर कंटेन करता है. द बेसिक एसआई यूनिट फॉर मास इज द किलोग्राम. मास का जो बेसिक एसआई यूनिट है हमने पढ़ा था अभी सिस्टम इंटरनेशनल में, वो क्या है, किलोग्राम है. द स्टैंडर्ड किलोग्राम इज द मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलाउ कैप्ट एट सर्फ्स. ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड जो है वो किलोग्राम है, जो कि इस तरीके से नापा गया है सिलेंड्रिकल पीस ऑफ प्लैटिनम इरिडियम पे. अच्छा जी, सबसे पहले मास में आप देख लेते हैं, वन टन. वन टन जो होता है हमारे पास उसमें 1000 किलोग्राम्स होते हैं. वन किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, वन ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, इसी तरह वन ग्राम से इतने माइक्रो ग्राम्स होते हैं. ठीक है, दिस दैट्स व्हाट द मास डेफिनेशन ऑफ मास आ गई आपके पास. मास क्या चीज़ है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है और हम इसको किलोग्राम में नापते हैं. अच्छा, वेट. द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स इट एग्जर्ट ऑन एनीथिंग विच फ्रीली सपोर्ट्स. अच्छा, वेट क्या चीज़ है, वेट जो है किसी भी बॉडी की वो फोर्स है जिसको जो वो ज़मीन की तरफ अपने आप को रखने के लिए लगाती है. ठीक है, इट एग्जर्ट दिस फोर्स ओइंग टू द फैक्ट दैट इट्स सेल्फ बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की, जिस तरीके से जिस मकदार में वो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो फोर्स उसका वेट कहलाता है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की फोर्स की वजह से द यूनिट ऑफ वेट विच इज एक्चुअली अ फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन. अच्छा, वेट जो है क्या है हमारे पास, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वेट जो है सिंपली एक फोर्स है जो कि अर्थ की तरफ लगाई जा रही है, इसको हम मेजर करते हैं न्यूटन्स में. ठीक है, वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है. होप आपको समझ में आ गया होगा. अच्छा जी, एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन मास एंड वेट इज दैट द मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड वेयर द बॉडी हैपन्स टू बी एंड वेयर एवर द वेट ऑफ अ बॉडी कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यानी कि मास जो होता है वो बॉडी का जितना भी हो, लाइक क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिसे हमने पढ़ा, सर डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो वो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि वो बॉडी कहाँ पर है. वो बॉडी कहीं पर भी हो, यहाँ पाकिस्तान में हो, कहीं और हो, अमेरिका में हो, किसी पहाड़ी इलाके में हो, ज़मीनी इलाके में हो, समंदरी इलाके में हो, मास ऑफ अ बॉडी जो होगा वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता, वो वेरी नहीं करता, वो तब्दील नहीं होता. हालांकि वेट जो होता है, वेट ऑफ अ बॉडी, क्योंकि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, अर्थ की कशिश शक्ल की वजह से होता है, तो वेट ऑफ अ बॉडी जो है वो वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यानी एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आप जाएंगे, समुद्री इलाके में कुछ और होगा, ज़मीनी इलाके में कुछ और होगा, पहाड़ी इलाके में कुछ और होगा, जैसे जैसे आप ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे वो वेट कम से कम होता जाएगा. हालांकि मास में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज मास जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है और वो सेम रहता है, वो कॉन्स्टेंट रहता है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस. अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो आप इजीली कहेंगे मास ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड वेयर द बॉडी हैपेंस टू बी, वेयर एज द वेट ऑफ अ बॉडी कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वेट चेंज हो सकता है, मास चेंज नहीं हो सकता, मास जितना है उतना ही रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है. अच्छा, मेजरिंग मास. अब हम मास को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे. हम वो इंस्ट्रूमेंट सारे चेक करेंगे जिनसे हम मास को मेजर कर सकते हैं. अ लेबोरेटरी बीम बैलेंस. ये क्या है, एक लेबोरेटरी बीम बैलेंस है, जैसे कि आप नॉर्मल तराजू वगैरह देखते हैं, ये इसी तरह का एक तराजू है, लेकिन हम इसको फिजिकल बैलेंस कहते हैं. ठीक है, बीम बैलेंस कहते हैं. इसमें बिल्कुल एक्यूरेट वेट आता है किसी भी चीज़ का, किसी भी मास का, किसी भी बॉडी के मास का. द बॉडी हुज मास इज टू बी डिटरमाइंड इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड पैन एंड स्टैंडर्ड मास इज यूजुअली कॉल्ड वेट्स. एक बॉडी जिसका मास आपको निकालना हो, उसको लेफ्ट हैंड पैन में रखा जाता है यहाँ पे. ठीक है, और स्टैंडर्ड मासेज यानी कि जो मास होते हैं, जो वेट्स होते हैं, वो दूसरे राइट हैंड पैन में रखा जाता है. अनटिल द पॉइंटर अटैच टू द बीम स्विंग्स. अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा कि बैलेंस हो गया है. ये जो बीम आपको बीच में नजर आ रही है, ये बीम बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए. जब ये पॉइंटर बिल्कुल सेंटर में आ जाता है ये बीम, तो फिर हम कहते हैं दैट नाउ इट इज़ बैलेंस. और जो भी मतलब आपने वेट रखे होते हैं, उतने वेट आप काउंट कर लेते हैं और वो उसका एक्चुअल मास होता है.
स्विंग इक्वल नंबर्स ऑफ डिवीजन ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल मार्क. सेंट्रल मार्क जब तक बिल्कुल सेंटर में आ जाता है तो आप उसका एक्चुअल वेट मालूम कर लेते, एक्चुअल मास मालूम कर लेते हैं. अ बीम बैलेंस हैज अ सिंगल पैन, देयर इज अ मास विच कैन स्लाइड अलोंग अ बीम विद अ स्केल. बीम बैलेंस जो होता है वो सिंगल पैन होता है और उसमें आप मास रख सकते हैं, ठीक है, अंटिल वो एक स्केल पे रीच कर जाए. द ऑब्जेक्ट हुज मास इज टू बी मेजर इज प्लेस ऑन द पैन. ऑब्जेक्ट रखा जाता है पैन पे. द स्लाइडिंग मास इज एडजस्टेड, स्लाइडिंग मास को एडजस्ट किया जाता है. यहाँ पे हमारे पास एक नॉब होता है उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं. अंटिल द पॉइंटर इज एट द जीरो मार्क, यहाँ तक कि पॉइंटर जो है वो जीरो मार्क पर आ जाए. द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज रीड ऑफ द स्केल, और फिर उसका मास स्केल पे रीड आउट किया जाता है. इस तरीके से आप मास किसी भी बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. नाउ वॉल्यूम. फर्स्टली वॉल्यूम क्या चीज है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक्स अप, इट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर. वॉल्यूम क्या चीज है? एक कोई भी चीज, कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर जितनी जगह घेरता है, जितनी स्पेस लेता है, स्पेस समथिंग टेक्स अप अमाउंट ऑफ स्पेस, उसको कहते हैं वॉल्यूम. कोई भी चीज़, कोई भी मास, लिक्विड हो सॉलिड हो, लिक्विड के लिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं. अमाउंट ऑफ स्पेस, जितनी जगह वो लेता है उसको हम कहते हैं, ये इसका वॉल्यूम है. इसको नापा जाता है क्यूबिक मीटर्स में, इट इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर. दिस इज रादर अ लार्ज यूनिट, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है ऑफ वॉल्यूम फॉर एवरीडे यूज, रोजाना इस्तेमाल के लिए एक बड़ा यूनिट है. सो द यूनिट्स लीटर एंड मिली लीटर आर यूज इंस्टेड. तो उसकी जगह क्या होता है? मिली लीटर और लीटर वगैरह इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि क्यूबिक मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है. इसकी जगह आप लीटर या मिली लीटर के यूनिट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किए जाते हैं. मेजरिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है? इसके लिए हमारे पास लैब में, लेबोरेटरीज में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट मौजूद होते हैं, जिसपे देखें आप, दिख रहे हैं ना, CM3 लिखा हुआ है, दैट इज मीन्स क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर क्यूब. और इसमें सारे मार्क्स लगे हुए हैं, इस तरह इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी, सब पे लिखा होता है कि इसमें कितना लिक्विड आ सकता है. तो आपने क्या करना होता है, इसमें जितना भी आप लिक्विड डालेंगे, मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं इसको, ठीक है, इसमें लिक्विड डालेंगे और फिर देख लेंगे जितने भी नंबर पर आ रहा होगा वो, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब. मेजरिंग फ्लास्क है, ये 250 का होता है. पिपेट है, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब की होती है. इसी तरह ब्यूरेट है, ब्यूरेट पे भी नंबर्स लगे होते हैं. इन तमाम चीज़ों में हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है. इफ समथिंग हैज अ सिंपल शेप, इट्स वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला. अगर एक चीज़ का सिंपल शेप है किसी भी चीज़ का, तो आप उसका वॉल्यूम इजीली नाप सकते हैं. वॉल्यूम का नापने का एक ही तरीका होता है या एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. लेंथ और विथ और हाइट को आप तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू कैन से द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड विथ एंड हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम. द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड इन लीटर्स. यही वजह है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है वो लीटर्स में मेंशन किया जाता है. और हम इसको सेंटीमीटर क्यूब भी इसी वजह से कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि इसमें तीन अलग अलग तरह की लंबाइयाँ आ गई ना, लेंथ लंबाई आ गई, विथ आ गई चौड़ाई, हाइट ऊंचाई आ गई. तो इसमें तीन तरह की लंबाई है, तो इसी वजह से हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में नाप रहे हैं. समझ में आ रहा है कि मीटर क्यूब क्यों है? क्यूब का मतलब होता है थ्री, और थ्री लेंथ है इसमें, इस वजह से हम इसमें थ्री लगा रहे हैं, क्यूब लगा रहे हैं, ठीक है. वन लीटर में हम नॉर्मली वॉल्यूम्स को नापते हैं, वॉल्यूम को लीटर में नापा जाता है. और एक लीटर में हमारे पास होते हैं 1000 मिलीलीटर्स. द मेजरिंग सिलेंडर इज यूज फॉर मेजरिंग और पोरिंग आउट वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड. ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये यूज होता है लिक्विड को मेजर करने के लिए, ठीक है. मेजरिंग फ्लास्क है, पिपेट है, ये यूज होते हैं फॉर मेजरिंग गिवन वॉल्यूम्स, जो भी वॉल्यूम्स गिवन है उनको मेजर करने के लिए, उनको नापने के लिए. ब्यूरेट गिव्स एनी रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड अप टू इट्स टोटल कैपेसिटी, यूजुअली 50 to 100 ml, यानी 50 to 100 ml तक ब्यूरेट भी जो है जितना आपको लिक्विड चाहिए वो मेजर करके आपको दे सकता है यूज़ करने के लिए, ठीक है. सो सम वेसल्स फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. लैब में इस्तेमाल होने वाले कुछ ये वेसल्स हैं जो कि वॉल्यूम्स और लिक्विड मालूम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. सो दैट वॉज ऑल अबाउट मास, एंड नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट वॉल्यूम. अच्छा, यहाँ पे आपको तरीका बताया गया है रीडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड. रीडिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, कि अगर आप रीड कर रहे हो तो रीड करने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि वो लिक्विड है. अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ और नंबर नजर आएगा, नीचे से देखो तो कुछ और नंबर नजर आएगा. तो सही तरीका क्या होता है, जहां पर लिक्विड आ रहा है आप अपनी आई जो होती है बिल्कुल उस लिक्विड के साथ वर्टिकली इस तरीके से रखते हैं, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया ना, वेयर द लिक्विड इज कोलाइडिंग
जहाँ लिक्विड कोलाइड कर रहा है आपकी आई बिल्कुल वर्टिकली वहीं होनी चाहिए ताकि आप एग्जैक्ट रीडिंग हासिल कर सकें, एग्जैक्ट नंबर हासिल कर सकें कि व्हाट इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम है क्या, क्योंकि लिक्विड में ये प्रॉब्लम होती है कि ऊपर नीचे से देखने में वो हमें थोड़ा वेरी करता हुआ नज़र आता है। तो सही तरीका यही है कि आप अपनी आई को वर्टिकली उसके सामने बिल्कुल रखते हैं। रीडिंग द नॉल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर ऑलवेज टेकन एट द लेवल ऑफ द बॉटम ऑफ द कर्व सरफेस और द मेनिस्कस ऑफ द लिक्विड। मर्करी इज एन एक्सेप्शन एज इट्स मेनिस्कस कर्व्स डाउनवर्ड्स। केयर शुड बी टेकन टू प्लेस द आई करेक्टली टू अवॉइड एरर्स, यानी आपको अपनी आँख बिल्कुल सही रखनी होती है ताकि आप एरर्स को, गलतियों को अवॉइड कर सकें। वेन टेकिंग रीडिंग्स द पिपेट एंड द ब्यूरेट मस्ट बी अपराइट, जब आप पिपेट से या ब्यूरेट से रीडिंग लेते हैं तो आपको पिपेट और ब्यूरेट को बिल्कुल अपराइट सीधा इरेक्ट रखना होता है ताकि वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ताकि आपकी रीडिंग सही आए। एंड द सिलेंडर एंड द फ्लास्क मस्ट स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल बेंच, और ये जो जितने भी सिलेंडर हैं और ये जो आप फ्लास्क के बारे में पढ़ के आए पीछे, इनको हॉरिजॉन्टल बेंच पर बिल्कुल इरेक्ट रखना होता है ताकि आपकी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आ सके। ठीक है, ये तो बहुत आम सी मतलब ये तो कॉमन सेंस की बहुत ही समझने वाली बात है कि अगर आपकी चीज़ सीधी होगी तो आपको रीडिंग भी सीधी नजर आएगी, अगर उसमें थोड़े बहुत भी टेढ़ा है तो फिर वो आपको सही नंबर नहीं देगा। अदरवाइज एरर्स में अराइज ड्यू टू टिल्टिंग, वरना क्या होगा कि हिलने की वजह से आपका एरर्स आ सकते हैं, आपका मेजरिंग आपकी सही नहीं आएगी। अच्छा, लास्ट हमने पढ़ा लेंथ होता है फंडामेंटल यूनिट, उसके बाद मास के बाद होता है लेंथ, के बाद होता है मास, और लास्ट में है टाइम। ठीक है, जिसका हमने पढ़ा था कि टाइम सेकेंड्स में नापा जाता है। ठीक है, टाइम सेकेंड्स में नापा जाता है। वी ऑल नो दैट अ डे इज डिवाइडेड इन टू 24 आवर्स, 7th क्लास में आप ये बात तो आपको सबको पता ही है कि एक डे हमारे पास 24 आवर्स का होता है। ईच कंटेनिंग 60 मिनट, हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं ऑफ 60 सेकेंड, और हर मिनट के 60 सेकेंड्स होते हैं ईच, हर एक के। द रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन यूजेज अ नंबर ऑफ वेरी एक्यूरेट क्वार्ट्ज इलेक्ट्रिक क्लॉक्स विच आर चेक डेली अगेंस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन में एक नंबर जो है वो हाईली एक्यूरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्लॉक्स में। दे आर कंट्रोल्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स एंड दे देमसेल्व्स आर चेक्ड बाय द सीसम एटॉमिक क्लॉक एट द नेशनल फिजिकल लेबॉरेटरी ऑल्सो इन लंदन, और इसी तरीके से नेशनल लेबॉरेटरी है एक लंदन में, वहाँ पर भी वहाँ की क्लॉक में भी, सीसम एटॉमिक क्लॉक है वहाँ पर भी इसकी वाइब्रेशन को चेक किया जाता है कि ये यही है या नहीं। तो ये जो है ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड यूनिट है, दैट अ डे कंटेन्स 24 आवर्स, ईच आवर्स हैविंग 60 मिनट्स एंड ईच मिनट हैविंग 60 सेकेंड्स, और जो हमारा ऐसा यूनिट है टाइम को नापने का दैट इज सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या है टाइम को नापने का, वो सेकेंड है। ठीक है, बाकी आपको मिनट्स में और आवर्स में भी नजर आएगा, लेकिन ऐसा यूनिट जो होता है वो सेकेंड ही होता है। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट मेजरिंग थिंग्स, मेजरिंग साइंटिफिक मेजरमेंट्स हैं ये सारी हमारी जो हमने आपको बताई यहाँ पे। लेंथ के बारे में सबसे पहले हमने डिस्कस किया, लेंथ आ गई इसमें सारी चीज़ें, उसके बाद हमने वेट के बारे में डिस्कस किया, वेट के बारे में आ गया सारा, उसके बाद वॉल्यूम के बारे में आपको बताया। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया, और फिर टाइम का तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, टाइम का भी हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ईजी लगा होगा आपको ये चैप्टर। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इसको अंडरस्टैंड करने में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 7 आपको जैसे कि वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया गया था यहाँ पे, तो यार हम आपको यहाँ पर एक वर्नियर कैलिपर शो कर रहे हैं, दिस इज द वर्नियर कैलिपर, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारे पास इसका एक ये एडजस्टिंग स्क्रू होता है, जिससे हमने पढ़ा था कि इसका एक जो जॉ होता है, दिस जॉ, ये जो होता है ये फिक्स्ड होता है, और दिस जॉ इज मूवेबल, ये मूवेबल जॉ होता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं लाइक दिस, यू कैन सी ये मूवेबल जॉ है। अच्छा, अब आपको जिस चीज़ की मेजरमेंट करनी है आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केल से, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 मार्किंग हुई हुई है। ठीक है, जैसे कि स्केल नॉर्मल मीटर रूल जो होता है, स्केल होता है उस पर मार्किंग होती है, तो ये मार्किंग हुई हुई है, किसमें हुई हुई है मार्किंग, सेंटीमीटर्स में हुई हुई है। ठीक है, सेंटीमीटर में ये मार्किंग होती है। अच्छा, अब जिस चीज़ को आपने मेजर करना है वो आप इसके जॉस के बीच में रखते हो, लाइक अगर मुझे इस पेन का डायमीटर लेना है। ठीक है, ये अब ऐसी सरफेस है कि अगर इसको सिंपल स्केल से नापेंगे तो ये नहीं नापा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ बीच में इस तरीके से रखेंगे और फिर इसको फिक्स करेंगे। यही पढ़ा था हमने कि इसको फिक्स किया जाता है, इसको इसके जॉस में फिक्स कर देंगे बिल्कुल लाइक दिस, ये हो गया फिक्स। अब इसके
जो एडजस्टेबल स्क्रू है इसको टाइट करेंगे ताकि कोई गलती की कोई एरर की गुंजाइश ना रहे, बिल्कुल टाइट कर देंगे। जब ये टाइट होके फिक्स हो जाएगा तो अब हम इस पे से नंबर्स चेक करेंगे कि किस नंबर पे आके ये इसका कोलाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट लाइन इस पे कोलाइड होएगी जबकि 0.10 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, लेकिन ये 1 सेंटीमीटर से भी कम है, तो आप इसको जहाँ पे कोलाइड हो रही है आप उसको कहेंगे ये 0.8 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर से इसका रेडियस, इसका जो डायमीटर है वो कम है, तो ये हो जाएगा 0.8। एक तो आप स्केल शो कर रहे हैं, हम आपको सेंटीमीटर का सिंपल स्केल है, यहाँ पे जो इसके मूवेबल जॉ पे लाइंस डली हुई हैं वो लाइन हमने देखनी है कि वो कहाँ पे कोलाइड करे, कोलाइड मीन्स टकरा रही हैं आपस में, जहाँ पे टकराएंगी, ये फोकस सही नहीं हो रहा, हाँ ये इसका डायामीटर होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ वर्नियर कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर था जो आपको दिखाया गया। इसी तरीके से सेकेंड हमने आपसे पढ़ा था कि क्या होता है, सेकेंड स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज, ये है एक स्क्रू गेज, इस तरीके का ये स्क्रू गेज होता है, ठीक है। इसको भी होल्ड करने का तरीकेकार यही होता है, इसको इस तरीके से होल्ड करते हैं हम, ठीक है। इस पे भी आप देख सकते हैं डिविजन्स हैं, इस पे एज सच स्केल नहीं होता, इस पे डिविजन्स होती हैं, ये भी इस तरीके से यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है, और जो चीज़ जिस चीज़ का डायमीटर आपने लेना है वो आप इसके इन जॉज में फिट करेंगे, जिस तरीके से आपने अभी वर्नियर कैलिपर में फिट किया था आप यहाँ जॉज में फिक्स करेंगे, फिक्स करके फिर इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ तक कि ये कोई भी चीज़ इसमें फिक्स हो जाए, ठीक है। फिर जब फिक्स हो जाएगा तो आप नंबर्स यहाँ से चेक करेंगे, ये डिविजन्स दी हुई हैं आपको, 40 डिवीज़न, 20 डिवीज़न, ठीक है, 0 से स्टार्ट है, ये 60 डिवीज़न तक है, जहाँ पर ये कोलाइड कर, इसमें भी यही है कि जहाँ पे कोलाइड करेगा आप देख सकते हैं पीछे भी स्केल है इसके, ठीक है, पीछे भी स्केल है इसके, ये रहा, और इधर भी स्केल है। अब जहाँ पे फिक्स होने के बाद कोलाइड करेगी सही लाइन, वो आपकी ओरिजिनल या आपकी जो एक्चुअल रीडिंग होगी वो होगी। इस तरीके से चीज़ों की मेजरमेंट इन दो इंस्ट्रूमेंट से लैब में ली जाती है, इसको कहते हैं हम स्क्रू गेज और इसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर।